प्यारे दोस्तों, आज कुछ शेयर करना चाहता हूं, कुछ कहना चाहता हूं। कहना ये चाहता हूं कि कल सारी रात मैं सो नहीं सका। कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई। आई वॉज शटर्ड, मैं हिल गया। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद इतना प्यारा बच्चा दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ऑनर्स लेके, गोल्ड मेडल लेके, इंजीनियरिंग करके एक सपने के साथ जो लड़का मुंबई जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, बाई चॉइस, बाई इंटरेस्ट, एज ए कोरियोग्राफर वो एंट्री लेता है फिल्म इंडस्ट्री में। मेहनत करता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, अपने आप को साबित करता है, और उसके बाद एक मुकाम पाने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देता है। क्या हम सुशांत सिंह राजपूत को रोक नहीं सकते थे? क्या हम सुशांत सिंह राजपूत को जाने से रोक नहीं सकते थे? क्या इस सोसाइटी का ये फर्ज नहीं था, इस कम्युनिटी का ये फर्ज नहीं था कि हम उसको जाने से रोकें? ये फर्ज था हमारा, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? पिछले 4-5 महीने से, मार्च से अब तक हम लोग केवल एक ही बात सुन रहे हैं, कोरोना 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 कोरोना। आज कितने केस डिटेक्ट हुए, आज कितने टेस्ट हुए, आज कितने क्वारंटीन हुए, आज कितने रिकवर। इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है पिछले 4 महीने से। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ जाओ, और अगर आप किसी फ्लैट पे रहते हैं तो ड्राइंग रूम पे जो टेलीविजन स्क्रीन पे आवाज आ रही है, वही किचन में भी जा रही है, वही बच्चों के रूम में भी जा रही है। सब केवल एक ही बात सुन रहे हैं सुबह से शाम तक, और वो बात है कोरोना 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 कोरोना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरी दुनिया इस बीमारी से जूझ रही है। एक आरएनए वायरस है जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी थोड़ी लड़खड़ा गई है। थोड़ा नालायक किस्म का वायरस है, थोड़ा बदतमीज वायरस है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पा रही है। पूरी दुनिया ने देख लिया, जहां जहां जिन भी एरियाज में इम्यूनिटी मजबूत है, उन एरियाज ने इस डिजीज को बड़ी अच्छी तरह से फाइट किया है। वहां मॉर्टेलिटी कम है, थोड़ी सी मॉर्बिडिटी है। मॉर्टेलिटी मतलब, जो लोग मेडिकल फील्ड में नहीं है, मैं बता देता हूं, मॉर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट, एंड मॉर्बिडिटी का मतलब है सिकनेस। तो वहां डेथ कम हुई है, किसी भी आरएनए वायरस ने फाइट किया, हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट कर रहा है। थोड़ा सा लड़खड़ाता है क्योंकि वायरस बदतमीज है, वायरस ढीठ है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जो फाइट कर लेते हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी, कुछ लोगों के अंदर एंटीबॉडीज थी, लाइक इंडिया में, अफ्रीका में, एक वर्ड होता है क्रॉस इम्यूनिटी। मेरे प्यारे दोस्तों, पीसीजी वैक्सीन हम लोगों ने लिया हुआ है बचपन में, इंडियंस ने, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हम सब ने बचपन में क्लोरोक्विन खाई है। कहीं ना कहीं वो क्लोरोक्विन हमारा बचाव कर रही है। वो बीसीजी का जो वैक्सीन हमको लिखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक क्रॉस इम्यूनिटी डेवलप करके हमारी मॉर्टेलिटी को बहुत कम रखे हुए। तो हम लोग कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, उसका पूरा पालन करते हुए हम लोग घर में हैं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग में है, हम लोग प्रॉपर मास्क का यूज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा क्या केवल न्यूज चैनल को यही कहना था पिछले 4 महीने, कोरोना 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 कोरोना? दूसरी बात, मास्क लगाओ। तीसरी बात, 2 मीटर का डिस्टेंस रख लो, थूकना नहीं है कहीं भी। क्या इसके अलावा कोई और ड्यूटी नहीं है? मेरी केवल न्यूज चैनल से कोई शिकायत? मेरी शिकायत सिर्फ उन लोगों से है जो आज समाज में आगे इस जिम्मेदारी को और अच्छी तरह निभा सकते हैं। जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं, जिम्मेदारी निभाई जा रही है, लेकिन इसको और बेहतर तरीके से कैसे निभाया जा सकता है? बेहतर तरीका, फ्रेंड्स, मैं किस जगह प्रकाश डालना चाह रहा हूं? मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि इस लॉकडाउन के कारण जितने भी बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, लोग परेशान हो गए, लोग छोटी छोटी बात पे इरिटेट होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो घर में है, लोगों को घर में रहने की इतनी आदत है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है। फ्रेंड्स, 9 नवंबर के बाद जब अमेरिका नॉर्मल हुआ था, तो वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ। वहां सेल बढ़ गई थी एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स की, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, बहुत बिक्री बढ़ गई थी इन सारी दवाइयों की, क्योंकि अमेरिका उसके बाद पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ।
इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस पूरी दुनिया को, हम इस आरएनए वायरस कोरोना से लड़ रहे हैं, मेडिकल साइंस लड़ रही है, वैक्सीन बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ये सब तो हो रहा है, इसके अलावा इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो जरूरत है लोगों के बिहेवियर पैटर्न को ठीक करने की, उनको वो एनर्जी देने की जिससे कि वो अच्छा सोचे, अच्छी दिशा में सोचे। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब्स खो दिए हैं, लोगों ने फ्लैट खरीदे हुए थे, कारें खरीदी हुई थी, उनकी ईएमआई जा रही थी, लोग क्रेडिट कार्ड लेके खर्च पे खर्च किए जा रहे थे। कैसे लोगों को समझाया जाए कि क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी मत चला, अरे डेबिट कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड उसमें भी केवल वो मनी स्पेंड करो जो आपके खर्चे के बाद आपकी सेविंग है। ये आदत अब हम लोगों को डालनी होगी कि हमको किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है। हमारी ड्यूटी है, हम सब की ड्यूटी है कि हम लोगों के अंदर जो बिहेवियर पैटर्न में चेंज आ रहा है उनको एक अच्छी डायरेक्शन में डाल दें, जिससे कि हमारा देश प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। करना क्या चाहिए था इन चार महीनों और हो क्या है, होना क्या चाहिए था इन चार महीनों में और हो क्या है, होना ये चाहिए था कि हर घर में बैठे हुए उस बंदे को, जब हमारा देश पूरी तरह लॉकडाउन में था, तो केवल कोरोना कोरोना कहने के या केवल आज कितने केस आए, कितने टेस्ट हुए, कितने रिकवर हुए, कितनी डेथ हुई, इसके अलावा हमको हमारे देशवासियों को एक स्किल देना चाहिए। क्या स्किल दे सकते थे दोस्तों? बातें बड़ी छोटी लगती हैं। हम उन अपने गांव के बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते थे, इंग्लिश बोलना सिखा सकते थे, इट्स ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। हमारे उन गांव के बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, हम उनको एंटरप्रेनर बनाना चाहते हैं, हम उस गांव के बच्चे को जॉब नहीं देने की बात कर रहे हैं। मैं हर उस गांव के बच्चे को एक एंटरप्रेनर बनते हुए देखना चाहता हूं। मेरा देश, मेरा इंडिया एक एंटरप्रेनर बनेगा। हम नौकरी कब तक करेंगे, एक एंटरप्रेनरशिप करेंगे, कैसे होगी एंटरप्रेनरशिप? मेरे वो गांव का वो छोटा बच्चा एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख सकता था, एक तो वो इंग्लिश बोल सकता था, उसके पास एक्सेस नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल जाके पढ़ता या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता। हम इसी दूरदर्शन पे, अपने इन्हीं टीवी चैनल्स पर उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं ये अब भी हो सकता है, हम ये कोशिश अब भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से ये कोशिश अब भी की जा सकती है कि हम अपने सभी देशवासियों को एक स्किल देने का प्रयास करें। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, और ये बात मुझे दिल से बहुत अच्छी लगती है। ये बात मुझे दिल से बहुत अच्छी क्यों लगती है कि अगर हमारे देश के हर उस गांव के छोटे बच्चे की एक स्किल डेवलप हो तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस स्किल से आता है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकता है, वो 100 रुपए का सामान बेचेगा, उसके 110 रुपए कमा लेगा, 120 रुपए कमा लेगा, तो वो 20 रुपए उसके एक दिन के उसको वो कॉन्फिडेंस देंगे जो उसे उसके आगे का स्टेप सोचने के लिए मजबूर करेंगे। हमें देनी चाहिए सारी स्किल। हम आर्ट सिखा सकते हैं, हम बेसिक फिजिक्स सिखा सकते हैं, बेसिक साइंस सिखा सकते हैं। हमें हर उस बंदे को एक स्किल देने की कोशिश करनी चाहिए। हमें कोई ऐप बनाना चाहिए, उस ऐप में वो ऐप, जैसे हमने आरोग्य सेतु ऐप बनाया डिजीज को ट्रैक करने के लिए, हम एक ऐप बना सकते हैं जो हमारे देश के लोगों के इंटरेस्ट को ट्रैक करेगा, और उस इंटरेस्ट को ट्रैक करके उसके साथ इंटीग्रेट करके, किसी का इंटरेस्ट है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो वो ऐप उसको कनेक्ट करेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज देगा। बात यह है, बहुत कुछ हो रहा है, पेपर्स पर सब कुछ हो चुका है। अभी अगर डिबेट करने बैठ जाए तो 2000 लोग मुझसे ये कहने वाले आ जाएंगे कि ये सब तो चल रहा है, ये सारे तो प्रोग्राम्स हमारे लॉन्च्ड हैं,
प्रोग्राम्स तो लॉन्च्ड हैं, लेकिन लोगों को पता मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट केवल ये है कि वो लोगों को पता भी चलने चाहिए, वो उसके घर में पहुंचने चाहिए, उसको उसके लिए भटकना नहीं चाहिए, उसे पता चलना चाहिए क्या होगा। कल से सुन रहा हूं कि हमें सारे चाइनीज ऐप बंद कर देने चाहिए। कोई ये कहने वाला मुझे आज तक नहीं मिल रहा। कल से आज तक जो 24 घंटे में मैं सुन रहा हूं, बहुत मन दुखी है जब से हमारे वो सोल्जर्स मारे गए हैं। कोई ये कहने वाला क्यों नहीं दिख रहा कि उन चाइनीज ऐप की तरह हम अपने ऐप बनाएंगे, मेरा देश इंडिया अपने ऐप बनाएगा। क्या हमारा देश इंडिया अपने ऐप नहीं बना सकता? क्या हम वो सारे ऐप नहीं बना सकते जो हम कल से केवल ये तो कह रहे हैं चाइनीज ऐप बंद कर दो, चाइनीज ऐप बंद कर दो। मैं ये सुनना चाहता हूं आज, इंडिया ऐप बनाएगा, इंडिया ऐप बनाएगा, इंडिया ऐप बनाएगा। हर उस इंडियन को वो स्किल मिलनी चाहिए जिससे वो ये काम कर सके। हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को आगे लेके आए, डिजिटलाइज कर दो पूरे देश को। ये टाइम है, दिस इज द हाई टाइम। हम चाइना से बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो इस काम में सहयोग कर सकते हैं। सहयोग किस बात का? लोगों को केवल अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी है। हाँ भाई, आप क्या कर सकते हो? मैं डॉक्टर पेशेंट्स देखता हूं। चार दिन पहले मेरी एक पेशेंट ने मुझसे कहा रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी जॉब चली गई है, मैंने ये फ्लैट खरीद लिया था थोड़े से पैसे जोड़कर, ईएमआई पर खरीदा था। उसकी दोनों आंखों से आंसू निकल गए। मैंने उससे कहा, तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें क्या आता है? उसने कहा, मुझे छोले चावल बनाना। मैंने कहा, ये छोले चावल बनाना ही तुम्हें एक दिन बिलियनेयर बनाएगा। तुम छोले चावल बनाना जानती हो ना, ये छोले चावल बनाना ही तुम्हें एक दिन बिलियनेयर बना देगा। हर दशानन को हरा दे कर्म को लक्ष्मण बनाकर, हर दशानन को हरा दे कर्म को लक्ष्मण बनाकर, यहां किसी को क्या मिला है, लक्ष्य साधारण बनाकर। छोले चावल ऐसे बनाओ, छोले चावल ऐसे खिलाओ कि लोग जीत जाते, उंगलियां चाटे। पैशन होना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोले चावल ही उसको बिलियनेयर बनाएगा, आई गारंटी, क्योंकि उसके अंदर एक जागृति क्रिएट हो गई। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और इस समय आवश्यकता इस देश की क्या है? उसकी आवश्यकता थी कि उसको अपने फ्लैट की ईएमआई देनी थी, वो छोले चावल उसको 10 फ्लैट खरीद के देंगे। लेकिन मेरे देश की, भारत की, इंडिया की आवश्यकता इस समय क्या है? मेरे देश की आवश्यकता है कि मेरे देश का हर बंदा एंटरप्रेनर बने। हर बंदे के पास स्किल होनी चाहिए। हम इस देश को डिजिटलाइज कर देंगे, हम मेक इन इंडिया कंसेप्ट को इतना आगे ले आएंगे कि चाइना तो हमारे आगे कहीं लगेगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्म करना है पूरी सोसाइटी को, और मैंने तो ये बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे नींद ये सोचकर नहीं आई केवल कि होना क्या चाहिए था 4 महीने में और हो क्या गया, हो क्या क्या सकता था इन 4 महीनों में और हुआ क्या है। अब मैंने बीड़ा उठाया है, और मैं इस देश की हर नागरिक के बिहेवियर पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं। ये वीडियो मैं YouTube पर अपलोड करूंगा। मैंने केवल 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की है, मुश्किल से 2 वीडियो अपलोड की है YouTube पे। पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे वीडियो अपलोड भी करनी चाहिए, कभी टाइम भी नहीं मिला, कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत उस बंदे के जाने के बाद, उसका कोई गॉडफादर नहीं था इसलिए वो चला गया। हाउ इज इट पॉसिबल? इस सोसाइटी का क्या ये फर्ज नहीं था कि उसको इतना मॉरल सपोर्ट दे कि वो सोचे ही नहीं जाने का? ये थॉट्स केवल 2 या 3 मिनट की कहानी होती है। एक विचार आया कि मुझे ये करना है, और बंदे ने वो इंप्लीमेंट कर दिया। उसी 2 मिनट में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे हम उसको। क्या वो 2 मिनट उससे बात करने वाला कोई नहीं था? उस पूरी माया नगरी में कोई बंदा ऐसा नहीं था जो 2 मिनट उसको समझा सके कि नहीं, ये ठीक नहीं, ये नहीं। और वो 2 मिनट ही उसकी जिंदगी को बदल सकते थे। आज तक मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है,
बहुत सारे पेशेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि ये ख्याल भी कभी मन में आएगा कि मुझे करना है। और अब ये ख्याल मेरे मन में आ चुका है क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। इंडिया को मैं दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूं। मेरा देश, ये तिरंगा सबसे ऊंचे स्थान पर जाएगा और मैं पूरे देश के लोगों के बिहेवियर पैटर्न को उस मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं जहां से मेरे देश का हर नागरिक एक एंटरप्रेनर दिखाई देगा, एक विजन होगा उसके पास कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, हाँ मैं ये करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश जारी है, मैं इस वीडियो को YouTube पर अपलोड करूंगा। मुश्किल से दूसरी या तीसरी वीडियो है तो लोगों को पता भी नहीं होगा। इस वीडियो को यूट्यूब लोड के साथ मैं अपनी फेसबुक टाइमलाइन अमित गुप्ता पर भी डाल दूंगा, तो लोग वहां पर जाके उससे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।